स्वच्छता कोई आदर्श या नारा नहीं, ये एक प्राथमिक जरूरत है लोगों के जिंदा रहने के लिए। वो कैसे डॉक्टर स्नेहा? ये एक अष्टभुज की तरह है जिसका सर है गंदगी और इसकी आठों भुजाएं हैं इसके बुरे असर का प्रतीक। अर्जुन। स्नेहा कैसे हो? फिलहाल अकेला हूँ और इसीलिए अपने डॉक्टर को फोन किया है। तो इस डॉक्टर के पास मेरे अकेलेपन का कोई इलाज है? अर्जुन वो अभी बिजी, जानता हूँ। देखो स्नेहा, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाह रहा, मगर मगर क्या अर्जुन? अरे भाई, आपके माता पिता की शादी की सालगिरह में हम आपके घर आए थे। अब मेरी माँ की बरसी है तो जाहिर सी बात है कि आपको हमारे घर पधारना होगा। जानते हो अर्जुन, दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर खूब सारी बातें करूं। तो आओ ना, किसने रोका है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अर्जुन? जब भी तुम्हारे साथ चलने के लिए कदम उठाती हूं तो जिंदगी कोई नया ही रुख ले लेती है। लेकिन एक लड़की जख्मी हालत में लाई गई थी, उसकी हालत बहुत नाजुक है। अरे कैसे लोग हैं जो एक लड़की को देखते ही दरिंदे बन जाते हैं। पन्ना को अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो वो सिर्फ कानून, उन दरिंदों को सजा देकर। शादी होने वाली थी उसके अगले महीने, इन सब के बाद खाना पड़ेगा उसे। ये सब बात ना बिल्कुल भी छुपत नहीं, आज नहीं तो कल सब ही जान जाएंगे। और हम इस सेकंड हैंड वस्तु को ना अपनी बहू तो ना ही बनाएंगे। ऐसे केस को रिपोर्ट करना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। कानून से बढ़कर तो इंसाफ होता है। कानून के खातिर पन्ना के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी होने देंगे? स्नेहा अब ये फैसला तुम्हें करना। आई स्नेहा जी, आई। माँ, बाबू जी, यही है डॉक्टर स्नेहा माँ। हम गरीब किसी को क्या देंगे हमारी दुआओं के अलावा? आपने तो हमारी पन्ना को नया जीवन दिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? पहले से बेहतर हूँ। स्नेहा दी, आप एक महिला हो, आप एक डॉक्टर हो, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो पन्ना। ऐसा क्यों है कि गलती कोई भी करे, कसूर हमेशा महिला का ही क्यों होता है? इसका जवाब मैं तुमको इत्मीनान से दूंगी। फिलहाल तुम ये खीर खाओ, तुम्हारी माँ जी ने खास तुम्हारे लिए बनाकर भेजी है। खुशबू से तो बिल्कुल श्यामलाल हलवाई की खीर जैसी लग रही है। अच्छा, शायद उसने तुम्हारी माँ जी से ही बनानी सीखी होगी। घर पे सब कैसे हैं? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब तुम वापस लौटोगी और कब उनकी खुशियां वापस आएंगी। स्नेहा दी, आप बहुत अच्छी डॉक्टर हो, आपको बहुत कुछ आता है, पर ना आपको झूठ बोलना नहीं आता। आप भी खाओ मेरे साथ श्यामलाल हलवाई की खीर। श्यामलाल
ए, सुनो। जी बाबा जी। गांव में सबको बोल दो, अगर खुले में शौच करना हो तो वो जो अपना चौकोन बावड़ी है ना, वहां पर करें, समझे? 6 एकड़ का मामला है बेटा, चल जाओ। बाबा। अरे 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 मधोक साहब, नमस्कार। आज बिना कपड़े ही? हमारा मतलब वर्दी से था। आइए आइए। क्या करें बाबा, आज हम आपके पास पुलिस वाले बनकर नहीं, मरीज बनकर आए। हमारे पास? अरे अरे हमने तो सोचा था कि आज भी आप अपना वो मानवता हॉस्पिटल जाएंगे डॉक्टर सिन्हा के पास। शायद इस बार हमको मानवता से ज्यादा दानवता की जरूरत है, इसलिए। ऐसे ही सही भाई, कष्ट क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना। आजमा जरा बिगड़ा हुआ है बाबा। कुछ ओंगा पोंगा खा लिया होगा? और ना ना, खाना पीना एकदम दुरुस्त है, बस कुछ बातें हैं जो पच नहीं रही है, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। अरे मधोक साहब, पुलिस की सेवा करना तो हमारा फर्ज है, आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? अच्छा, वो जो पन्ना पर हमला हुआ था बाबा, उसमें 3 आरोपी हैं। आपको कुछ गुमा है कि ये 3 कौन हो सकते हैं? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बाबा क्योंकि पूरे गांव को लगता है कि आप अंतर्यामी। हमें अगर पता होता, अरे तो हम खुद ही दौड़े दौड़े ना चले आते आपके पास। हमें आपसे बिल्कुल यही उम्मीद है बाबा। इसी बात पर एक शेर अर्ज है, कहें तो बोले। कहो। कि उनसे मिले तो मिले भी कैसे। बाबा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल बोल बोलो। उनसे मिले तो मिले भी कैसे, जो पास रहकर भी दूर हो जैसे। अरे 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 क्या कह डाला भाई, मजा आ गया भाई। अभी कहाँ मजा आया बाबा, मजा तो तब आएगा जब वो तीनों हमारे हत्थे चढ़ेंगे, और जब वो कुछ उगलेंगे ना तो जाने कितने लोग फिसलेंगे। बहरहाल अभी हम चलते हैं, कुछ खबर लगे तो बताइए। अरे दौड़े दौड़े सरकार, दौड़े दौड़े चले आएंगे सरकार। आपसे हमें यही उम्मीद थी बाबा। बाबा जी ये तो शक कर रहा है हम पे। शक नहीं कर रहा बेटा, सब पता है उसे, अच्छी तरह से जानता है सब कुछ वो, और हम भी देखेंगे कि कब तक ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। ये है हमारे गांव की सच्चाई। हर एक तस्वीर जो आप लोगों ने अभी देखी, ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। ये तो बड़ी गंभीर बात है। यही सच्चाई है सर। स्वच्छता कोई आदर्श या नारा नहीं है, ये एक प्राथमिक जरूरत है लोगों के जिंदा रहने के लिए। वो कैसे डॉक्टर सिन्हा? ये एक अष्टभुज की तरह है जिसका सर है गंदगी, और इसकी 8 भुजाएं हैं इसके बुरे असर का प्रतीक। खुले में की गई शौच की समस्या को ही ले लीजिए। शौच के संपर्क में आने पर या बच्चों के डायपर बदलने पर ठीक से हाथ ना धोना, पानी को उबाल कर ना पीना, जहां लोग खुले में शौच करते हैं उसके आसपास के खेतों में काम करना, ये सारी ऐसी कुछ वजह है जिनकी वजह से ये गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश करती है और तरह तरह की बीमारियां फैलाती है। का सबसे पहला और आसान शिकार होते हैं हमारे मासूम बच्चे। यानी समस्या कोई दुर्घटना या स्थिति नहीं है, ये रोगों को आमंत्रण देने का काम हमारे गांव वालों ने ही किया। यही बात तो सबको समझानी है, हमारा वार बीमारी के असर पर नहीं उसकी वजह पर होना चाहिए। लेकिन लोगों को यकीन कैसे दिलाएं कि उनकी एक गलत आदत के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं?
इसका समाधान भी हमें ही निकालना होगा। जतन वही जो काम आए, वरना सही नुस्खा भी फिजूल है। क्या मतलब डॉक्टर स्नेह? देखिए, पहलवान कसरत करता है, बच्चे को हम मालिश करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, दूध पिलाते हैं, महिलाएं आयरन की गोलियां लेती हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो ये सारे उपाय अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, मगर अगर स्वच्छता ना हो तो ये सब बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेअसर है, क्योंकि स्वास्थ्य की असली खुराक स्वच्छता ही है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। सब हम अंदर आ सकते हैं? अब आप दोनों चौखट तक आ ही गए हैं तो अंदर भी आ जाइए। आपकी तारीफ। साहब पहचाना नहीं? मैं मुन्ना। और मैं फोटोग्राफर। क्या बात है बहरूपियो यार, कमाल कर दिया। जैसे पुलिस वालों के खबरी, मेरा मतलब है मुखबिर होते हैं ना, वैसे ही कुछ पुलिस वाले बाहर वालों के मुखबिर होते हैं। मामला नाजुक है सर, क्लोजअप में बातें होंगी तो बेहतर होगा। क्या क्या तरीके आ गए हैं जमाने में, हैं? चोरी से छुप कर आते हैं मियाँ जी हमारे थाने में। वाह, क्या शेर कहा है आपने। इशार, इशार। कैसे आना हुआ? आओ। ये सर, ये कैमरे का मेमोरी कार्ड है, हमने जितनी भी तस्वीरें खींची थी ना वो सारी इसमें है। लेकिन जब तुम्हें थाने लाया गया था तब तो कुछ नहीं मिला था। सर उस वक्त अगर ये मेमोरी कार्ड दे देता तो वो जब्त हो जाता और गलत आदमी के हाथ लग जाता तो वो उसे डिलीट कर देता, राइट सर? करेक्ट। इस बार खास क्या है इसमें? सारी नहीं पर कुछ तस्वीरें अजीब सी हैं, हम प्रिंट लेकर आए हैं, देखो। सारे प्रिंट है या कुछ है इसमें? इसमें कुछ है, कुछ प्रिंट है। ना तस्वीरें तो काम की समझ में आ रही है। चलो हम बाकी बाद में देखते हैं, अभी तुम लोग जैसे आए थे ना वैसे कट लो। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, कभी कोई पूछे तो तुम लोग यहाँ आए ही नहीं थे। साहब आप किससे बात कर रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ नहीं, और मैं तो यहाँ कभी आया ही नहीं। अच्छा साहब चलते हैं। चल चल चल। टोपी। ओह सॉरी। सही जोड़ी है। ठीक है सर, चल चल चल। बाबूजी, आप गांधी जी के विचार बार बार क्यों पढ़ते हैं? हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कभी खुशी मिलती है और कभी उदासी। उदासी? बेटे गांधी जी ने इस देश की आत्मा को समझा, लेकिन हम आज तक उन्हें अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, और ये आरोप हर भारतीय के ऊपर लगाया जा सकता है। मैं भी स्वच्छता के ऊपर गांधी जी के विचार पढ़ रही थी। जानते हैं आज हमारे गांव में जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी भविष्यवाणी गांधी जी ने सालों पहले कर दी थी। कहने को तो मल कूड़ा कचरा है, लेकिन मामला बहुत संगीन है। मल कूड़ा कचरा, बस यही विषय बचे इस घर में बात करने के लिए। लेकिन माँ, अगर इन विषयों पर कोई चर्चा भी नहीं करेगा तो इनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? यही तो मैं कहती हूँ। अरे वाह, तुम तो काफी जागरूक हो गई हो भगवान। मैं तो कब से जागरूक हूँ, और अब तुम दोनों को भी जागरूक करना चाहती हूँ ताकि इस परिवार की समस्या का भी समाधान हो।
पर माँ, इस परिवार की क्या समस्या है? स्नेहा, ये उम्र है तेरी भोली बनने की? बेटा, अर्जुन को बस तेरी हाँ कहने की देर है, तू भी उसके साथ घर बसाना चाहती है। मियाँ बीवी राजी, ना अड़चन ना काजी, फिर भी ब्याह नहीं हो रहा। मेरी इस समस्या का समाधान कब करेगी तू? माँ, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। कब आएगा सही समय? वो दिन देखने में रहूंगी भी कि नहीं? ऐसे नहीं बोला करते भगवान। तो कैसे बोला करते जी? आंखें खोली और देखिए, कुवारी बेटी घर बैठी है, लड़का भी तैयार है, मगर न जाने आप किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। और तू, गांव को नसीहत, खुद की फजीहत, कभी सोचा है ये ऐसी देरी करने का अंजाम क्या हो सकता है? मैं ना रहूंगी ना तो ये दिन रोज याद आएंगे तुझे। माँ, जैसा आप सोचती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। प्लीज आप चिंता मत करिए। और अर्जुन, उसके प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? माँ, लेकिन अर्जुन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि जो थोड़ी सी देरी हो रही है इसके पीछे वजह क्या है। बस तुम बाप बेटी मिलकर ना मुझे बातों में फुसलाते रहो। तो बात करने में तुम हम दोनों से आगे हो। आप तो चुपी रही है। अच्छा माँ, मैं बहुत जल्द अर्जुन के घर जाने वाली हूँ। उनकी माता जी की बरसी है। मैं आपको वचन देती हूँ, इस बार मैं सब कुछ तय करके ही लौटूंगी। ठीक है बेटा, मगर एक बात याद रखना, माथुर परिवार में वचन सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं दिए जाते। जी माँ। स्वच्छता के बारे में गांधी जी के विचार सुनना चाहेंगी आप? आप अपनी बेटी को ही सुनाइए, मैं फिर कभी सुन लूंगी। सुनो दिगंबर, ये जो हम दिए हैं ना तुमको, ये है गांव का नक्शा, और इसमें जहां जहां हमने निशान लगाए हैं उसे अकेले में ध्यान से देखना, समझ रहे हो? जहां जहां निशान है उसे खुले में शौच का स्थान बनवा दो। लेकिन इनमें से तो दो तीन जगहों पर ही लोग जाते हैं अपना काम निपटाने के लिए। अरे तभी तो कह रहे हैं, अपने जितने भी आदमी सबको काम पे लगा दो। अरे वो तो हम लगवा देंगे, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? अरे भाई, कॉरपोरेशन में हमारा एक खास आदमी है, वहां पे बन रहा है एक बस स्टैंड, और खेतों की सिंचाई के लिए नहर निकलने वाली है, इसलिए चाहते हैं कि उन जितने भी जमीन के टुकड़े हैं हम अपनी उस पे मोहर लगा दें। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जो जमीन हमको कल धन कमा के देने वाली है उससे अपवित्र हम ही क्यों करें? जिस जमीन को हम अपवित्र कर रहे हैं उस जमीन की कीमत दिन पर दिन नीचे गिर जाएगी, जिंदगी भर उस जमीन का मालिक उस जमीन को नहीं बेच पाएगा। और कौड़ियों के दाम पे उन जमीनों को बाबा पहलवान खरीद के पूरे गांव पे कृपा करेंगे और गांव वाले उनकी पूजा करेंगे। भाई मान गए आपके ब्रेन को, जय हो महाराज की। बाबा जी, अगर हम ये अफवाह फैला दें कि कुछ स्थानों पर भूत प्रेत देखे गए तो कैसे रहेगा? सोच के लिए कौन जाएगा फिर वहां पे? हाँ मधुक साहब, कैसे याद किया? बधाई देने के लिए फोन किया है पहलवान जी आपको। आपका नुस्खा रामबाण साबित हुआ है, हाजमा एकदम दुरुस्त हो गया हमारा। अरे पर हमने तो कोई दवाई दी ही नहीं आपको। आपकी बातों का असर कम है क्या? आखिरकार आपने हमारी तीसरी आंख जो खोल दी, शुक्रिया आपका। कैसे मतलब समझा नहीं? आपके जो वो तीन भगोड़े हैं ना, बहुत जल्दी पुलिस हिरासत में आने वाले, और आपकी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था, तो सोचा आपको शुक्रिया अदा कर दूं। हेलो हेलो हेलो, हेलो?
दिगंबर। हाँ बाबा। सुनो बाबा जी, यार एक बात बता, क्या बोल दिया मुझसे ऐसा है? वो अंधे के हाथ बटेर लग गई वाली बात तो नहीं हो गई कहीं? ये मधोक उल्टा ही हमें गोली मार रहा हो। ए बाबा पहलवान जी, अब आपकी बात सुनकर हमारा ब्रेन भी ना एकदम से फ्रीज हो गया, मतलब ठस। कहते हैं कि बीमारी बिना आहट के कभी नहीं आती, लेकिन क्या बीमारी के उस लक्षण को समझने के लिए हम तैयार भी हैं? एक बच्चा अपनी आंखें मूंद लेता है और उसे लगता है कि बस अब मुझे कोई नहीं देख सकता। बिल्कुल इसी तरह अक्सर हम भी स्वच्छता और बीमारी के बीच के संबंध से अपनी आंखें मूंद लेते हैं, और जब तक आंखें खुलती हैं तब तक आंखों में सिर्फ आंसू भरे होते हैं। बार बार एक सच्चाई हमारे गांव में नजर आती है, वो ये कि जहां स्वच्छता नहीं वहां बीमारी होगी ही, खास तौर से हमारे बच्चों को। अब या तो इस सच्चाई को समझकर इस पर अमल करके बीमारी से बचा जा सकता है, या फिर बीमारी को भुगत कर तब फिर इस सच्चाई को समझा जा सकता है। आपको तय करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।